गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रियंका। तो आज हम बात कर रहे हैं जिस प्रोडक्ट के रिव्यू का, वो है एवरीयुथ का गोल्डन ग्लो पील ऑफ फेस पैक, सॉरी फेस मास्क। मार्केट्स में इतने सारे फेस मास्क, शीट मास्क, डीआईवाई मास्क इतने सारे हैं कि सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे यार, मैं कौन सा अप्लाई करूं, मेरी स्किन के लिए कौन सा सूटेबल होगा, या ये अच्छा रहेगा या ये अच्छा रहेगा। तो सबसे पहली बात कि मार्केट में कोई भी पील ऑफ मास्क एवरयूथ के अलावा है नहीं। मतलब जहां तक मैंने यूज किया, एवरयूथ के अलावा इजीली अवेलेबल कोई भी मास्क नहीं है इसके। मतलब अल्टरनेटिव में हम लोग अगर अगर यूज करते हैं या जेलेटिन यूज करते हैं कभी भी, कोई अगर पील ऑफ मास्क बनाना हो तो हम आज रिव्यू कर रहे हैं एवरयूथ नेचुरल एडवांस गोल्डन ग्लो पील ऑफ मास्क। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। 50 मिनट रेडियंट है, नेचुरल ग्लोइंग स्किन, लुक फॉर एवरी ओकेजन बेस्ट पील ऑफ मास्क, 24 कैरेट कोलेजन बूस्टर एंड ऑरेंज पील एक्सट्रैक्ट। मतलब ऑरेंज के छिलके का इसमें एसेंस है कुछ, और इट्स पील डेड स्किन सेल्स को ये प्रिवेंट करता है, स्किन पोर्स को, फेस का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है, ऑक्सीजन सप्लाई एंड बूस्टिंग बूस्ट करता है कोलेजन प्रोडक्शन को। और ये 15 मिनट कम से कम रखना है इसको, जब तक ये पूरे तरह से ड्राई ना हो जाए। ये 30 ग्राम्स का पैक है एंड ये 50 रुपीज में आता है, यहाँ मेंशन्ड है। इसका छोटा साइज भी आता है, 15 रुपए में छोटा पैक आता है। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई करो तो आप जरूर छोटा पैक लो, शायद आपको सूट ना करे या शायद आपको ना पसंद आए। इसलिए हमेशा छोटा प्रोडक्ट लेना चाहिए, जब आपको वो पसंद आ जाए, जब आपको वो अच्छा लगने लगे तब आप इसका बंड लो। ये 30 ग्राम्स का है, 60 ग्राम्स का भी, 50 ग्राम्स का पैक था वो 75 रुपीज में था। बट मैं बहुत ज्यादा तो इसको नहीं यूज करती हूँ, कभी कभी डीआईवाई के लिए कभी कभी कोई पील ऑफ बनाना होता है तो मैं इसको यूज करती हूँ। तो ये बढ़िया, ऐसे मैं डीआईवाई फेस मास्क ही यूज करती हूँ। आपने मेरे चैनल पर बहुत सारे डीआईवाई फेस मास्क देखे होंगे, और नहीं देखे तो आगे भी देखोगे, क्योंकि आई एम डीआईवाई लवर, तो मुझे वो पसंद है। इसका की इंग्रेडिएंट्स है मिनरल ऑरेंज पील एक्सट्रैक्ट। ये क्लेम करती है कि ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, और इसको बेस्ट रिजल्ट के लिए वीक में 2 बार जरूर ट्राई करें। ये 24 कैरेट गोल्ड से बनी हुई है एंड चलिए इसको मैं अप्लाई करके दिखाती हूँ कि ये कैसा है। मैं फेस पर तो नहीं करूँगी बिकॉज आई पुट लॉट्स ऑफ मेकअप, तो मैं हैंड पर करूंगी। ये कुछ ऐसा दिखता है, इसमें आप देख रहे हो कि इसमें एक अलग सी शाइन, और इसका स्मेल प्रॉपर ऑरेंज की तरह है। आप इसको अगर इसको स्मेल करोगे तो आपको लगेगा कि आप एक ऑरेंज खा रहे हो, उसको स्मेल ले रहे हो। और 24 कैरेट गोल्ड, जो कि आप ये देख सकते हो, इसमें एक अलग सी शाइन है जो कि 24 कैरेट तो बिल्कुल बिल्कुल है। स्मेल बहुत अच्छी है। तो इसको 15 मिनट हमें रखना है सूखने के लिए, उसके बाद हम इसको पील ऑफ करेंगे। तो 15 मिनट बाद, तो 15 मिनट सूखने के बाद ये कुछ ऐसा हो गया, अब देखो। तो अब हम इसको पील करते हैं, ये पील करना थोड़ा मेरे लिए स्ट्रगल है बिकॉज आई डोंट हैव नेल्स राइट नाउ। तो ये देखो, पील करने पे कुछ ऐसा, इस पे दिया है कि अपने फेस के डाउनवर्ड्स करें, बट आई ऑल्सो ऑल विल डू अपवर्ड्स, इसलिए मैं इसको अपवर्ड ही कर रही हूँ। इसकी बहुत ज्यादा थिन लेयर आप ना लगाएं, बिकॉज बहुत ज्यादा थिन लेयर लगाने से ये होगा कि ये अच्छे से पील नहीं होगा, तो इसलिए इसके लेयर एक लगाएं जिससे ये बहुत प्रॉपरली पील हो सके। और मैंने इसको हैंड पर लगाया इसलिए थोड़ा थोड़ा निकलने में भी प्रॉब्लम हो रही है। इसको फेस पर आप लगाओगे तो ये बहुत अच्छी तरह से निकल जाएगा। तो पील होने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर एक अलग सा शाइन ग्लो आ गया है। आप कंपैरिजन देख सकते हो मेरे इस हैंड का और यहाँ पर मैंने अप्लाई किया था पील ऑफ मास्क। अगर आप इसको रिमूव प्रॉपर ना कर पाओ, थोड़ा सा वाटर का भी यूज कर सकते हो इसको रिमूव करने के लिए, और ये स्मूथ करता है स्किन को और एक नेचुरल सी शाइन देता है। तो ये प्रोडक्ट मस्ट ट्राई है, अगर आपने अभी तक तो ट्राई नहीं किया तो आप जरूर इसको ट्राई करो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो,
बेल आइकन को जरूर प्रेस करो कि मेरी जो भी वीडियो अपडेट हो आप नोटिफिकेशन आपको मिले, आप तुरंत देख पाओ। एंड इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।